So, दोस्तों क्या आप भी YouTube पे वीडियो देखते हो और आप चाहते हो YouTube पे वीडियो बनाना या फिर आप YouTube को एज ए कैरियर लेना चाहते हो और उस पर ही आगे बढ़ना चाहते हो सो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 सबसे बेसिक टिप्स जिसे आपको ध्यान में रखना है वीडियोस बनाते समय। और इस 5 टिप्स को अगर आप ध्यान में रख के वीडियो बनाते हो तो आपका चैनल डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ेगा, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करेगा, उस पर व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे और सक्सेसफुल 100% होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका टॉपिक, आपने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, आपका कंटेंट किस टॉपिक पे होने वाला है। तो सबसे पहले आपको करना है कि अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस पोर्शन, किस सेगमेंट पे जाना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टॉपिक को, आपके कंटेंट को बहुत ही नीश होना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी मूवी का रिव्यू कर रहे हो तो आपको सिर्फ मूवी का रिव्यू ही करना है उस चैनल पे, आप किसी दूसरे कैटेगरी के कंटेंट को नहीं ला सकते, आप उस पे गेम नहीं खेल सकते, आप उस पे टेक रिव्यूज नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि आपके ऑडियंस को पता रहेगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो डालते हो। सो आप जब भी वीडियो डालोगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऑडियंस आपको देखने चाहेंगे और वो जब देखेंगे आपको तो वो ऐसा नहीं है कि आपके वीडियो चालू होते साथ बंद कर दे, वो आपको पूरा देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यूट्यूबिंग के केस में बोला जाता है कि आपके ऑडियंस कितने ज़्यादा लॉयल है, वो कितना वीडियोज आपका देखते हैं, आप को पसंद करते हैं। तो जब आप कैटेगरी को बिल्कुल नेश कर देंगे, अपने कंटेंट को बिल्कुल नेश कर देंगे तो आपके पास वही ऑडियंस रहेंगे जो आपको पसंद करते हैं। तो ये तो हो गया सबसे बेसिक, सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि आपको अपने वीडियो और ऑडियो की क्वालिटी को मेंटेन करना है। आप देखिए, अगर आप खुद भी ध्यान दें तो जब भी आप किसी वीडियो को देखते हो यूट्यूब पे, आप उस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से देखते हो जो वीडियो बिल्कुल क्लियर हो, जिसकी ऑडियो बिल्कुल साफ सुनाई दे आपको। आप कभी ऐसे वीडियो को नहीं देखना चाहेंगे जिसकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो, जिसमें साइड से पूरे नॉइस आते हो, म्यूज़िक बज रही हो, म्यूज़िक बहुत लाउड हो, बैकग्राउंड पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हो, ऐसा वीडियो आप कभी नहीं देखना चाहोगे। सेकेंड चीज़, वीडियो की क्वालिटी। तो वीडियो की क्वालिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑडियो की क्वालिटी, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी अगर साफ नहीं है, अगर वो ब्लर आ रही है, अगर आपके वीडियो में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आसपास के लोग दिख रहे हैं, तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और इसके बाद ऑडियंस आपके वीडियो को धीरे धीरे देखना कम कर देती हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग जनरली कर देते हैं अनइंटेंशनली, बट उनको नहीं पता होता है कि ये उनके चैनल पे कितना इम्पैक्ट करेगा, उनके वीडियो पे कितना इम्पैक्ट करेगा। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये है कॉपी पेस्ट का। आप किसी भी दूसरे बंदे का वीडियो उठा के अपने चैनल पे मत डालिए। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप उसके वहाँ से वीडियो उठा के अपने चैनल पे अगर आप पेस्ट करते हो, तो इससे क्या होता है, जिसका आप वीडियो डाल रहे हो वो आज के डेट पे YouTube के पास ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम आ गए हैं, उनके सेटिंग्स पे बहुत सारी चीज़ें आ गई है जिससे उस यूट्यूबर को पता चल जाएगा कि आपने उसका कंटेंट वहाँ से कॉपी किया है और उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब जैसे ही वो उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो आपको अप्रूव कर दे या तो आपको वो ब्लॉक कर दे, आपके वीडियो को ब्लॉक कर दे। तो अगर आप वो आपके वीडियो को ब्लॉक कर देता है तो आपने जो वीडियो डाला वो किसी काम का नहीं, दूसरा YouTube को पता चल जाएगा कि आप कॉपी कंटेंट डाल रहे हो, तो आपको कभी मोनेटाइज होने देगा ही नहीं। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको हमेशा याद रखना है। भले आप बिल्कुल छोटे से छोटे क्लिप भी डालना चाहे, इनिशियली बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कोई दूसरा क्लिप मत डालिए, ट्राई कीजिए कि जो भी वीडियोज़ है वो सारे आपके हों। तो यह ऐसा करने से यूट्यूब को आपके परफॉर्मेंस, आपके पूरे हिस्ट्री के बारे में जब पता रहता है तो आपके मोनेटाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिल्कुल इजीली वे में अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। अब मैं ये जो 5 पॉइंट बता रहा हूँ ये 5ों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बेसिक्स है यूट्यूब के। आप कभी भी यूट्यूबिंग चालू करें, ये यूट्यूब पे वीडियो डालें, आपको ये 5ों चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी वीडियोज डाल के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि यूट्यूब एक एल्गोरिदम से चलता है, वो लोगों के बिहेवियर को समझता है, वो एक यूट्यूबर के बिहेवियर को समझता है कि वो कैसे काम कर रहा है, और जो बंदा सारे रूल्स को फॉलो करते हुए काम करता है उसको ही यूट्यूब आगे की तरफ पुश करती है। सो जो चौथा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। सो ये पॉइंट पहले मैटर नहीं करती थी, बट आज के डेट पे बिना कंसिस्टेंसी के कुछ फायदा नहीं है यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो आज एक डाल रहे हो
और एक वीडियो आप अगर महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद डाल रहे हो तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि YouTube एक एल्गोरिदम से काम करता है जहां पर वो देखता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। जब भी आप YouTube में आने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने कंटेंट के लिए एक लिस्ट बना लें। वहां पर आपके पास कम से कम आने वाले 15 दिन या 1 महीने का पूरा प्लान होना चाहिए कि आप किस दिन में कौन से वीडियो को डालने वाले हैं। अगर आप हर दिन एक वीडियो डाल रहे हो तो आपको ये कंसिस्टेंसी रखनी है कि आपको रेगुलर हर दिन एक वीडियो डालनी है। अगर आप एक दिन में एक वीडियो नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में एक वीडियो बनाएं और डालें। सो अगर आप एक वीक में 2 वीडियो डाल रहे हैं तो ये पैटर्न मेंटेन रखें, तो आप हर वीक 2 वीडियो डालते रहें। इससे क्या होगा कि यूट्यूब को ये पता चल जाएगा कि आप हर वीक में 2 वीडियो डालते हैं, साथ ही आपके ऑडियंस को ये पता चल जाएगा कि आप हर वीक पे 2 वीडियो डालते हैं। और बेटर ये है कि आप अपने ऑडियंस को ये बताएं कि आप किस दिन पे कितने बजे आप वीडियो डालते हैं। इससे आपके ऑडियंस में ये क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं, आज के दिन में ये वीडियो हमारे इस यूट्यूबर का आने वाला है, हमको ये वीडियो देखना है, और वो आपके वीडियो का वेट करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो व्यूअरशिप है वो बढ़ेगी, YouTube के एल्गोरिदम में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, वो आपको पुश करेगा कि आप बिल्कुल एक वैलिड कंटेंट क्रिएटर हैं और आप बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में वीडियो बना रहे हैं। सो इससे वो आपको पुश कर देगा और आपके चैनल की ग्रोथ बढ़ जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा 5वां पॉइंट ये है, आप जब भी YouTube पे वीडियो डालना चालू कर रहे हैं आप बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको इमिजिएटली सक्सेस मिलेगा। बहुत से यूट्यूबर हैं जिन लोगों ने बहुत साल मेहनत की है तब जाके आज के दिन पे वो इतने ज़्यादा सक्सेस हुए हैं। सो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको बहुत ही इमीडिएटली सक्सेस मिल जाएगी। सो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप यूट्यूबिंग चालू करें और आपको सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको वीडियोज़ टाइमली डालनी पड़ेगी। उसके बाद कहीं जाके जब आप पूरी तरह से एल्गोरिदम में फिट बैठ जाओगे तो आपके वीडियोस चलने लगेंगे, आपको व्यूअर्स मिलने लगेंगे, यूट्यूब आपके कंटेंट को रिकमेंड करने लगेगा और आपके वीडियोस पे व्यूज़ आने लगेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल लोगों में यही देखने के लिए मिलता है कि वो यूट्यूब चालू करते हैं, ठीक है, यूट्यूब चालू करने के बाद वो बेसिक ये 5 पॉइंट को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सो या तो वो वीडियो डाल रहे हैं तो आज एक डाल रहे हैं, फिर 1 महीना में एक डालें, फिर 2 महीना में एक डालें, जिससे उनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसके बाद जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आज वीडियो डाला चलो भाई सक्सेस मिलनी चाहिए, आज नहीं कल 2 वीडियो डाल दिया, 3 वीडियो डाल दिया, सक्सेस मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता और वो डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट होने के बाद वो सोचते हैं कि नहीं यार अब तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं, क्या करें यूट्यूबिंग करके, तो वो वीडियो अपलोड करना छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पीछे चले गए। अब उसके बाद अगर वो एनी हाउ फिर से वीडियो डालना चाहे तो वो फिर से एक नया स्टार्ट हो जाता है जिसमें उसको फिर से उनको पूरी तरह से मेहनत करनी पड़ती है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, क्योंकि इसमें इमिजिएट सक्सेस नहीं है, इमिजिएटली बहुत पैसे नहीं आते हैं, टाइम लगता है पैसे आने में, लेकिन हाँ अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन से कर रहे हो, आप ये सोच के करो कि नहीं आपको वीडियो बनानी है, ये मत सोच के करो कि आपको वीडियो से पैसे कमाने हैं, आपको वीडियो बनानी है, आप अपने आप को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके बाद ही कहीं वो आपको पसंद करेंगे और आपको जानेंगे। आप सोचिए उससे आपकी कितनी ब्रांडिंग हो जाएगी, आप फेमस हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो होती है आज के डेट पे आप जितने भी बड़े यूट्यूबर को देख लो, चाहे वो बीबी के वाइन हो, कैरी मिनाती हो, अमित बदाना हो, आशीष चंचलानी हो, ये लोग आज के दिन में पब्लिक फिगर बन गए, इनकी वैल्यू सेलिब्रिटीज से कम नहीं है। सो ये इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने कंसिस्टेंटली वीडियोज डाली है, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में ही पॉपुलर हो गए, वो पॉपुलर एक दिन में नहीं हुए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है और उसके बाद कहीं जाके आज के दिन पे इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। अगर आप इन 5 बातों को ध्यान में रखें, YouTube में घुसेंगे, YouTubing करना चालू करेंगे, YouTube में वीडियोज अपलोड करना चालू करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक सकता है। सो ध्यान रखिए, नीश टॉपिक, परफेक्ट ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी, नो कॉपी पेस्ट, कंसिस्टेंसी और नो एक्सपेक्टेशन। इमीडिएट सक्सेस आप यहाँ नहीं हो सकते, इसलिए आप डीमोटिवेट ना हो और उसके बाद वीडियो डालिए। आई विश आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आपको मैं बताने वाला हूँ ऐसे 5 वे
जो आपको आपके यूट्यूबिंग में हेल्प करने वाले हैं आफ्टर अपलोडिंग अ वीडियो।